भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी कल रांची के बरियातू मैदान में आयोजित अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन में भाग लेने रांची आ रहे हैं। इसे लेकर अल्पसंख्यक विभाग के झारखंड प्रभारी उमेर खान ने अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन की जानकारी देते हुए कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी देश के कई इश्यू पर भी अपनी बात रखेंगे। वहीं भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि यूपी के मंत्री पेट्रोल के ऊपर बयान देते हैं कि 95% लोग ही पेट्रोल को यूज करते हैं। पेट्रोल का रेट 200 के पार भी चला जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह सोचने पर मजबूर करता है कि देश कहां जा रहा है। कल 24 तारीख को कांग्रेस का अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन कांग्रेस के कद्दावर नेता हर ज्वलित इश्यूज पर मुखर रूप से अपनी आवाज़ उठाने वाले हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को की पैरवी करने वाले इमरान प्रतापगढ़ी जी आ रहे हैं। हमारी पार्टी के तमाम विधायकगण, सीएलपी लीडर, मंत्रीगण, पीसीसी के अध्यक्ष, तमाम पार्टी के सम्मानित नेता कल रहेंगे और अपने विचारों से आप तमाम रांची के और झारखंड के तमाम जनता को अवगत कराएंगे। बहुत सारे इश्यूज़ हैं देश के, तो बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उस मुद्दे पर भी बात होगी। बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री परसों अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि पेट्रोल 200 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 95% लोग पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम तमाम लोग 5% में तो है नहीं, 95% लोग पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। तो मुल्क के हालात बहुत गंभीर हैं और एक वाहिद पार्टी है हिंदुस्तान की कांग्रेस, जिसकी विचारधारा समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने वाली है। मुखर संवाद के लिए रांची से आशुतोष रंजन की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।